तुमसे पहले तुम्हारा चरखा छत्तीसगढ़ पहुंच चुका था बापू, तुम्हारे कंडेल आने की खबर ने ही किसानों को जीत दिला दी। दुर्ग में रखा तुम्हारा वो चरखा आज सिर्फ सूत ही नहीं स्वप्न भी बुनता है जनमानस के सामूहिक विकास का। मोहनदास बाकलीवाल स्कूल के कुछ बच्चों को तुमने जो फूलों का हार पहनाया था वो फूल अब भी ताजा हैं और छत्तीसगढ़ के हर बच्चे में संभावनाओं के साथ महक रहे हैं। मोतीबाग का वो खादी मेला जगार बनकर छत्तीसगढ़ को हर साल रोशन करता है, कैसे भूल सकते हैं बापू अछूतो धार यात्रा में तुम्हारा आना, गंज डबरी का सतनामी आश्रम, जैतू साव मठ की वह धरती आज भी तुम्हारी करुणा का संचार करती है। छत्तीसगढ़ कब नहीं था धन्य तुम्हारे आने से। मौदहा पारा के सफाई कर्मचारी हों, राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थी या तुमको देखकर खुद में ताकत महसूस करती घरेलू महिलाएं, बापू तो तुम सभी के थे। राजिम, धमतरी और बिलासपुर की सड़कें भले ही नई हों पर उन पगडंडियों पर तुम्हारे पदचिन्हों को कौन भूल सकता है। बैतलपुर के जिस कुष्ठ आश्रम में तुम मरीजों से मिले वो अब कुष्ठ अस्पताल है, और हाँ छत्तीसगढ़ में कुष्ठ अब लाइलाज नहीं। बापू चुनौतियों के कई दौर आए और आएंगे, पर सत्य, समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए तेरी मशाल की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बापू तुम्हारे करुणा के सूत्र को पकड़कर छत्तीसगढ़ सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। ग्राम स्वराज के लक्ष्य को साधने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने, नमन करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने से हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से हमारा काम शुरू होता है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और सार्वभौम पीडीएस से हमने तय किया है न तो कोई भूखे पेट सोने को मजबूर हो और न ही पोषण युक्त आहार से वंचित रह जाए। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। बापू की करुणा को हमने सरकार का मूल मंत्र बनाया है, आइए हम सब मिलकर उनकी करुणा का संचार करें, बापू के सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ें। बल्लेबाजी कर रही है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की टीम, जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरी है। गेंदबाजी कर रही है नकारात्मक सोच से भरी हुई विरोधी टीम। ये रहा बॉल और सलामी बल्लेबाज श्री बघेल जी ने उठा दिया है बल्ला। कर्ज माफी के जरिए किसानों की चिंता हुई बाउंड्री से बाहर। ये रही अगली बॉल, ये भी बाहर। गांव से गरीबी बाहर, नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना से गांव में खुशहाली का माहौल। सहमी हुई है विरोधी टीम, मुख्यमंत्री जी अगले प्रहार के लिए तैयार। और ये रहा छक्का, तेंदुपत्ता का भुगतान 4,000 रुपए करके आदिवासियों की चिंता बाउंड्री से बाहर। लगता है अगली बॉल गुगली होगी। और हाँ ये भी छक्का, धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए और किसानों की चिंता बाउंड्री से बाहर। दर्शकों में उत्साह का माहौल। और ये अगली बॉल, अब की बार अंधेरा बाहर, बिजली का बिल आधा होने से रोशनी का दायरा बढ़ते हुए अगली बार शानदार हिट। सबके भूख की चिंता हुई बाहर, अब बीपीएल के साथ साथ एपीएल को भी चावल। लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के, कमाल हो गया, दिल जीत लिया है श्री भूपेश बघेल ने। जीत वो छत्तीसगढ़, गढ़ वो नवा छत्तीसगढ़। युवा तो बढ़ चला गूंजे धरती आसमां, गरज गरज के बढ़ रहे हैं आंधियों से लड़ रहे हैं, गरज गरज के बढ़ रहे हैं आंधियों से लड़ रहे हैं, जोश की हुंकार लिए नवा राज अब गढ़ रहे हैं, हो जोश की हुंकार लिए नवा राज अब गढ़ रहे हैं, सामाजिक सद्भाव के नित रास्तों पर चल रहे हैं, वीरों के बलिदान की एक दास्ता ये कह रहे हैं, जवा भरोसा गढ़ चला युवा राज बढ़ चला। युवा जोश और हुनर की झनकार, छत्तीसगढ़ युवा उत्सव 15 अक्टूबर 2019 से
14 जनवरी 2020 तक। जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति। सुन सीता सुंदर मुखी, चपल चतुर चित चोर, मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीता, जिस राह में सच्ची राहत है वह राह दिखा दे ऐ सीता। मेरा नाम अमीनुल्लाह खान है, मैं नगर पंचायत कुंगरा थाना धरसिंह जिला रायपुर का निवासी। रामलीला की शुरुआत सन 1935 में यहाँ के मालगुजार स्वर्गीय नियामतुल्लाह खान, जो कि मेरे दादा हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ की रामलीला मंडली संचालित की गई, जो अनवरत तब से आज तक चली आ रही है और उन्हीं की परंपरा को मैं निभा रहा हूँ। मैं रामलीला में सभी तरह के किरदार निभाया हूँ, भगवान विष्णु का रोल किया, जैसे दशरथ है, बाली है, परशुराम है, मेघनाद है, अहिरावण है, वर्तमान में रावण। अगर रोज कर्फ्यू के दिन हूं तो कोई अपनी मौत नहीं मरेगा और कोई किसी को मार देगा, पर मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूं, दूसरों के मारने तक नहीं, और रोज की तरह अपना शहर रोज घूमना चाहता हूं। शहर घूमना मेरी आदत है, ऐसी आदत कि कर्फ्यू के दिन भी किसी तरह दरवाजे खटखटाकर सबके हालचाल पूछूं। हो सकता है हत्यारे का दरवाजा भी खटखटाऊं, अगर वह हिंदू हुआ तो अपनी जान हिंदू कहकर न बचाऊं, मुसलमान कहूं, और अगर मुसलमान हुआ तो अपनी जान मुसलमान कहकर न बचाऊं, हिंदू कहूं। हो सकता है इसके बाद भी मेरी जान बच जाए तो मैं दूसरों के मारने तक नहीं, अपने मरने तक जिंदा रहूं। इस मानव समाज में हमारे अंदर जो उन्माद पैदा होते हैं, हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा होती है, वो हम गहराई से जाकर के अपने अंतर में झांक करके देखें तो वो किससे कर रहे हैं ये इंसान को समझ में आएगा। कबीर कहते हैं कि दया कौन पर कीजिए, पुरखा पर निर्दय होए, और साईं के सब जीव है कीड़ी कुंजर सोए। अब साईं कह दो, चाहे अल्लाह कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे रहीम कह दो, जो कुछ कह रहा हो कह दो, परंतु लोग लफ्जों में जैसे ही आते हैं, क्योंकि लफ्ज एक आकार है, जो भी चीज आकार बनती है वो खत्म हो जाएगी। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी तीर्थ के रोलिया हुए हैं, वो उनके अंतर की यात्रा का परिचायक है, प्रतिफल है। जब तक हमारी अंतर की यात्रा नहीं होगी तो हम हो सकता है किसी न किसी तरह का द्वेष पैदा कर सकते हैं। पृथ्वी गर्म हो रही है, पिछले 150 सालों में
पृथ्वी की जलवायु में तेजी से परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव जनित है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने खास उपहारों से नवाजा है। उत्तर और दक्षिण में घने जंगल, बीच के मैदानों में हरी भरी धान की बालियां, महानदी शिवनाथ और इंद्रावती जैसी कई छोटी बड़ी नदियां लोगों के जीवन और सभ्यता का आधार हैं। एक बड़ा सवाल, क्या प्रकृति के ये खास वरदान सुरक्षित हैं? क्या पिछले बरसों में पर्यावरण में आ रहे बदलावों को हम समझ पा रहे हैं? जो सबसे पहला फर्क दिखता है वो तो भूमिगत जल का नीचे चले जाना। तो अगले साल की फसल में पानी तो सही आया, रोपा लगते समय लगाए जरूर, बाकी कीड़ा का उत्पन्न ज़्यादा आया। अभी धान का इस साल का पैदावार बहुत ही अच्छा रहा, बरसात का बहुत बढ़िया मौसम रहा। पिछले सत्र 1% हमारे यहाँ फसल नहीं हुआ। अभी बीच में पानी खलो गिरी तो हमारा 50-60 बोझा छीन खलो नुकसान हुई, और ओखर साथ साथ में हमारा 2 बच्चा के खलो तबीयत खराब हुई। ये सारे बदलाव जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। अब ये तेजी से अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, कहीं बाढ़ कहीं सूखा तो कहीं पीने तक के लिए पानी नहीं। मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। इस स्थिति से कृषि और आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी के कारण धरती पर खतरा मंडरा रहा है। वन प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं, परंतु वन विश्व भर में विभिन्न कारणों विशेषकर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण तेजी से घट रहे हैं। पिछले 250 सालों में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पूरी दुनिया में लगभग 41% ऊर्जा कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से आती है। कोयले के जलने से हर साल लगभग 5 बिलियन टन से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में पहुंचती हैं। 1880 के दशक में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 290 ppm पार्ट्स पर मिलियन थी। वर्ष 2000 के आते आते यह मात्रा 400 ppm तक बढ़ चुकी थी। वर्ष 2000 से 2016 के 16 वर्ष बीते 100 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्षों में शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग धरती को लगातार बीमार कर रहे हैं। इससे पेड़ पौधे जीव जंतु और मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। कई दशकों में हुए इस परिवर्तन को हम एकाएक ठीक नहीं कर सकते, किंतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों पर नियंत्रण कर बदलते जलवायु के अनुसार खुद को ढाल कर और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले उपायों को अपनाकर हम काफी हद तक दुनिया और मानव जाति को कई खतरों से बचा सकते हैं। Climate change is a problem of unprecedented magnitude. We're seeing extreme weather events across the globe and it's affecting everyone. Nations have been dealing with this problem for over 30 years with negotiations, but the world is reaching a real tipping point and we need to take serious action. The historic Paris Accord of 2015 charted a common path forward for taking action and preventing dangerous climate change. We now need to deliver on that commitment, and that's going to take serious collaboration. Developing and developed countries are going to need to share resources, technology, and knowledge to deliver on the promise of the Paris Accord. छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इन 8 क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, वन और जैव विविधता, जल संसाधन, शहरी विकास, यातायात, ऊर्जा, उद्योग और खनन एवं मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकताएं तय कर लघु एवं दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर कार्य योजना बनाई गई है। जलवायु परिवर्तन पर समेकित प्रयास कर
हम छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे विश्व में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा करना मुश्किल या चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। जन्मी मीरा मेड़ते तो परणाई चेतो हर राम भजन रे कारणे सकल शस्त्र सिर ओ जी तारा देश मेरा ना ओ जी तारा देश मेरा ना ओ संत नहीं जैसल लो,